अकोल्यामध्ये माजी मंत्री यशवंत सिन्हा यांच्या शेतमालाच्या हमी भावासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाचा आज आता तिसरा दिवस आहे. आज सिन्हा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामध्ये फोनवरून बातचीत झाल्याचं कळतंय आणि या चर्चेनंतर आंदोलनकर्त्यांचं समाधान झालेलं नसल्याची माहिती आमदार बच्चू कडू यांनी दिली आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते यशवंत सिन्हा, माजी केंद्रीय मंत्री असलेले यशवंत सिन्हा यांचं अकोल्यामध्ये सध्या 3 दिवसांचं हे आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनाचा आजचा तिसरा दिवस आहे आणि या संदर्भात आता मुख्यमंत्र्यांशीही बातचीत झाल्याचं कळत आहे. कुछ बात हुई है, फिर बात होगी और हम उसके बारे में खुलासा पूरे रूप से दोपहर में करेंगे. अभी कुछ हमारे पास बताने के लिए नहीं है. हमको लगता है 3-4 बजे के बीच में हम लोग आगे आंदोलन की रूपरेखा के बारे में चर्चा करेंगे. उस समय मैं बताऊंगा कि क्या हो रहा. किस मांग पे गतिरोध अभी नहीं, वो तो आप जानते, आप सब लोगों से हम लोग बात करते रहे हैं और हम लोगों ने कहा है कि गतिरोध एक ही बात को लेकर है कि जो फसल समर्थन मूल्य पर किसान से खरीदी जाती है उसमें नाफेड नहीं तय करे कि हम 1/3 या 1/4 जो पैदावार है किसान की वही खरीदेंगे, बाकी वो जाकर बाजार में सस्ते दाम पर बेचे. हम लोगों की मांग है कि किसान ने जितनी पैदावार की है, सबको पता है 1 एकड़ में कितनी पैदावार होगी, चाहे मूंग हो, चाहे उड़द हो, चाहे सोया हो, तो उसकी पैदावार उससे खरीदो, नहीं तो समर्थन मूल्य का कोई मतलब नहीं है. और दूसरी बात कि जिस किसान ने, चूंकि ये फैसला नहीं हुआ तो उसने बहुत सस्ते दामों पर, जिसको अंग्रेजी में डिस्ट्रिक्ट सेल कहते हैं, वो करने के लिए मजबूर हुआ, तो उसको कुछ इसके लिए क्षतिपूर्ति की जाए. आज हल नहीं निकला तो आंदोलन की दिशा बदलेगी? आज हल नहीं निकला आपके मांगों पे तो आंदोलन की दिशा बदलेगी क्या? पुल पार करेंगे, जब पुल पर पहुंचेंगे तय करेंगे. सीएम से क्या बात हुई आपकी? मैंने वही कहा कि मैं बताऊंगा 3 बजे या 4 बजे कि क्या बातचीत हुई, क्योंकि क्या फैसला हुआ वो उस समय स्पष्ट होगा. अभी कुछ कहने को नहीं है उस पर. सरकारला नमाव लागेल, सरकार नमलं नाही तर आम्ही सांगतोय का हे मुख्यालयातलं आंदोलन ते रस्त्यावर येईल आणि रस्त्यावर आलं तर मग सरकारला वेगळ्या पद्धतीनं प्रहार स्टाईलनं आम्ही घेतल्याशिवाय राहणार नाही. सरकारनं आजादी आता जी काही बोलले त्याबद्दल आमचं समाधान झालं नाही आणि अजून याबाबत निर्णय सरकारनं या 4 वाजेपर्यंत आजच्या तारखेत घेतला पाहिजे, नाही घेतला तर समोरचं आंदोलन वेगळ्या पद्धतीने आम्ही घेऊन जाऊ.